टू ब्रांड के फोर बेस्ट मॉडिफिकेशन इन ड्रेस ऑनलाइन। तो गाइस कार्स तो हमको किसी तरीके से मिल चुके हैं, बट इसको ऐसी मॉडिफाई कैसे करें कि वो गॉड लेवल चले। यानी आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करनी है फिर अपनी सुपर एम के फोर बिल्कुल मस्त बनने वाली है। सो लेट्स गो, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉडिफिकेशंस के पहले पूरी रॉ स्टॉक सुपर देख लो कि उसका 0-100 और उसकी स्पीड वगैरह कितनी है। यहां से देख लो फुल लेवल 1 पे, और अब प्ले पे क्लिक करते हैं, ओपन वर्ल्ड पे चलते हैं, फिर वहां से एग्जैक्ट आपको स्पीड वगैरह दिखाऊंगा। और गाइस अपने लोकेशन पे आ चुके हैं, और इस यहां से हम अपने 0-100 और पूरा स्पीडोमीटर चेक करेंगे। हम डाउनटाउन एयरपोर्ट के टनल से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे, एंड अपनी कार भी एग्जैक्ट पोजीशन पे खड़ी हो चुकी है। अब मोबाइल खोल के जल्दी से स्पीडोमीटर लगा लेते हैं ताकि 0-100 सब कुछ पता कर सके। एंड यहां से अपना 0-100 वाले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 0-100 देखेंगे, देन 100-200 देखेंगे, एंड फाइनल स्पीड देखेंगे टॉप स्पीड कितनी, आई मीन कितनी। एंड हमने 0-100 स्पीड है 5.2 सेकंड। गाइस हमने 200 स्पीड भी टच करने वाले, 200 स्पीड है 13.9 सेकंड। अब इसकी फाइनल स्पीड देख के बताता हूँ वो कितनी आई। सो गाइस मैं बहुत देर से ट्रैक करूँ, बट इसकी 242 के ऊपर स्पीड नहीं जा रही है। तो अपनी फाइनल रिजल्ट है कि सुप्रा स्टॉक में 242 ही जाती है। तो गाइस ये वाली तो अपनी स्टॉक सुप्रा जो लेवल 1 की है, अब आपको मैं अपनी मैक्स सुप्रा दिखाता हूं। एंड गाइस ये वाली सुप्रा मेरी मैक्स है, जो कि 50 लेवल की फुल मॉडिफाइड सुप्रा है, बट मैं आपको एग्जैक्ट करके दिखाऊंगा सब कुछ एक पार्ट वापस से। एंड गाइस यहां से अपनी मॉडिफिकेशन का पार्ट स्टार्ट होता है। तो पहले तो आपको परफॉर्मेंस के सेक्शन में आके आपको शुरू का इंजन और टर्बो चार्ज वगैरह सब कुछ लास्ट पे रखना, इंटेक भी बिल्कुल आपको 3x3 पे रखना, एंड रिड्यूस वेट वाले सेक्शन में आपको बिल्कुल एंड पे रखना है 3x3 पे। नेक्स्ट आपको जो क्लच वाला सेक्शन है वो भी आपको बिल्कुल 2x2 लास्ट पे रखना। बाकी तो गाइस कार वगैरह की स्किन भी लगा के रखना, सुप्रा में पॉल वॉकर स्किन बहुत बढ़िया है। तो गाइस अपना फर्स्ट चेंज इसमें होगा, यहाँ पे आपको गियर बॉक्स सेकंड वाले पे रखना है स्पोर्ट्स वाले पे, जिससे आपको इनिशियल बूस्ट मिलेगा और आपकी स्पीड ज्यादा बढ़ी रहेगी। नेक्स्ट वाले देख लेना इसको क्या कहते हैं, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, ये आपको 4WD पे रखना है। एंड अपना अगला है ट्रैक डिफरेंशियल। सो आपको अपना ट्रैक डिफरेंशियल बेसिकली थर्ड वाले पे रखना है। भाई वीडियो बिल्कुल आंख लगा के देखना, साथ साथ में मॉडिफिकेशन भी करते जाओ जो बता रहा। फाइनली परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में बस इतना ही करना था। आज सस्पेंशन, तो सस्पेंशन में आपको कोई सा भी सस्पेंशन लगाना है, ये बिल्कुल स्टॉक रखना है आपको। एंड अगर इस पिछली वीडियो का विनर भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वो सब तो आगे वीडियो में बताऊंगा, पहले टायर देख लो वो कौन सा लगाना है। सो टायर में आप लोगों को ड्रैग टायर लगाने हैं अपने। अब इसका एग्जैक्ट रीजन मुझे भी नहीं पता, स्पीड बढ़ाने के लिए ड्रैग टायर क्यों लगाना है। एंड गाइस अपना नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक वाला पार्ट आपको सेम इसी पे रहने देना, 2x2 पे हाई ब्रेक चाहिए बिल्कुल। एंड द नेक्स्ट अपना फ्रंट एंगल वेट। एंड गाइस फ्रंट एंगल वेट में भी आपको बिल्कुल सब स्टॉक रखना है, कुछ भी नहीं लगाना इसमें आपको। फिर अपना सेकंड है रियर एंगल वेट। एंड गाइस रियर एंगल वेट वाले में सबसे लास्ट वाला आप लोगों को लगा देना। अब इसका लॉजिक मेरे से मत पूछना, इसका भी मेरे को नहीं पता भाई। हाँ बट टेस्टिंग के टाइम पे ये बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है ऐसे। एंड अपना सेकंड है फ्रंट कैमर, जिसको हम लोगों को प्योर स्टॉक रखना है। एंड सेम रियर कैमर को भी बिल्कुल स्टॉक रखना है। देन लास्ट गाइस फ्रंट व्हील में तो आप लोगों की मर्जी होती है कि आप कौन सा जो भी लगाना चाहते हो लगवा सकते हो, दोनों में रियर और फ्रंट। ओके सो गाइस कार को फुल स्पीड में लगाने के लिए इतनी मॉडिफिकेशंस काफी है। अब इस कार के बिफोर और आफ्टर वाले रिजल्ट देखने के पहले आप मेरा विनर सुन लो पिछली वीडियो को। कौन जो शायद इसी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मैंने पिछली वाली वीडियो में कहा था सुप्रा एम के फोर गिव अवे के लिए, मैं उस विनर की बात कर रहा हूँ। ओके गाइस तो विनर ने मेरे को सीधा इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट किया था, और उसकी इंस्टाग्राम की आईडी ये है। भाई फ्यूचर में आप लोगों को कोई भी गिव अवे जीतना हो सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए करो, हमेशा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज प्रूफ मेरे पास पूरी वीडियो है, उस बंदे की आईडी का नाम है आई एम गेमर, और सामने देख लो सुप्रा एम के फोर पूरी स्टॉक दे रहा हूँ, स्टॉक की ही बात करी थी मैंने। यहाँ पे मैंने ट्रेड कर दिया और साइड में देखो ट्रेड सक्सेसफुल भी लिखा आ चुका है। अब आपको एम के फोर की फाइनल पावर दिखा दो मॉडिफिकेशन के बाद कैसे हो रखी। तो इसे वापस सेम प्लेस पे लेके आ चुका हूँ, डाउनटाउन एयरपोर्ट के टनल के बिल्कुल नीचे। आप जल्दी से फोन निकाल के दोबारा से अपना स्पीडोमीटर ऑन कर लेते हैं और स्पीड चेक करते हैं इसकी। ओके गाइस स्टार्ट करके इसके 0-100 चेक करते हैं। भाई चलाते 100 पहुंच चुके, और सिर्फ 2 सेकंड में 100 स्पीड पहुंच चुके। अब इसका 100-200 चेक करते हैं, तो इसका 100-200 भी निकल चुका है, सिर्फ 4.4 सेकंड में ये 200 पकड़ लिया। अब इसकी फाइनल स्पीड देख के बताता हूं कि कितनी टॉप स्पीड इसकी जाने वाली। भाई जो मैं लिटरली बहुत देर से ट्राई कर रहा हूं कि इसकी टॉप स्पीड निकल जाए, बट ये टॉप स्पीड जा नहीं पा रही, इतनी ज्यादा इसकी ओवर स्पीड हो चुकी है, एक ना एक कट आ जा रहा है, वैसे स्पीड कम हो जा रही है थोड़ी सी। बट फिर भी जैसे ही टॉप स्पीड देखती है मेरे को सबसे ज्यादा कितने में गई है उसको दिखाता हूं मैं। तो भाई किसी तरीके से इसकी फाइनल स्पीड मेरे को दिखी, फाइनल तो नहीं है, इससे भी ऊपर ऑफकोर्स जाएगी, वो है 414। पूरे दो टाइम ट्रैक ट्राई करने के बाद मेरे को इतनी स्पीड मिली है। तो सामने मैंने एक चार्ट लगा दिया, इसमें बिफोर और आफ्टर दोनों कार का मैं कंपैरिजन एग्जैक्ट दिखा दिया, इसको स्टॉप करके देख लो अच्छे से। ओके गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, गुड बाय।